तो ये देखिए विश्वनाथ भाई हमारे, इन्होंने ये 4 घंटे में भगवान शिव की मूर्ति बना दी है पुरी के बीच पे। ये वाली लहर देखिए कितनी खतरनाक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बीच के किनारे की मार्केट है और बड़े बड़े होटल हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सामने गोल्डन ट्री है, उसके बाद कैस्टल वे है और इधर हमारा ये पूरा पुरी का बीच है और बीच के साथ साथ ही पूरा ये रास्ता देख रहे हो आप बना हुआ है आगे तक और साइड में है मछली झींगे, अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो वो खा सकते हो और यहाँ पे आपको शंख भी मिल जाएंगे। सी फूड के ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर टाइप का सी फूड मिलता है। और ये देखिए यहाँ पे पतंग भी उड़ा रहे हैं कुछ भाई लोग, बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं बीच पे आके, और सामने बीच है और इधर ये सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल बार और स्ट्रीट फूड्स भी अवेलेबल है जो यहाँ पे लगे हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पुरी के बीच पे और आप देख सकते हैं ये पुरी का बीच है और इवनिंग का टाइम है, करीब करीब 5:30 बज रहे हैं और दिन की बात करूं तो आज है 16 दिसंबर 2021 और मैं हूं जगन्नाथपुरी बीच पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं जुगनू तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स मैं आया हुआ हूं पुरी में और सुबह मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन करे थे और उसके बाद मैं और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे मंदिर हैं जगन्नाथ पुरी के, मतलब पुरी सिटी के जो और भी मंदिर हैं उनमें भी मैं गया था और अब आ गया हूं मैं बीच पे। तो फ्रेंड्स ये है पुरी का बीच और आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची विशाल विशाल लहरें इसकी आ रही हैं। और ये आवाज़ देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया ऑसम ब्यूटीफुल खतरनाक आवाज़ है ये। तो ये हम उनका, ये हमारा पुरी का बीच है। ओह माय गॉड, ये देखा कितनी ऊंची लहर थी। तो फ्रेंड्स ये है पुरी बीच, पुरी का समुंदर और ये आवाज़ देखिए और वो लहर देखिए
जो आ रही है। ये देखिए गाइस, ये वाली लहर देखिए कितनी ख़तरनाक है। वाओ ब्यूटीफुल, एक और आ रही है। और ये देखिए सर, और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी है और आप राइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे देखा आपने, मैं इस टाइम पूरी बीच पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी फैमिली है जो यहाँ पे शूटिंग कर रही है। और इस लम्हे को कैद कर रही है अपने कैमरे में। देखिए फ्रेंड्स, ये प्यारी सी लड़की इसको बना रही है बार बार, और ये लहरें इसको तोड़ देती हैं। शर्म आ गई। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हो, वो सब कुछ बयां कर रही है कि मुझे कितना सुकून मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ धाम, भगवान जगन्नाथ के घर पुरी में आपका हो जुगनू कामर है इस टाइम पूरी बीच पे। और लहरों की आवाज़ सुनिए फ्रेंड्स, कितनी क्या बोलूँ इसे, अशांत बोलूँ, अच्छी बोलूँ, ख़तरनाक बोलूँ, डरावनी बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करो कमेंट में डाल के कि इन लहरों की आवाज़ को मैं क्या बोलूँ, इतना शोर कर रही है ना, मैं बता नहीं सकता। ये आती हुई लहरें तो यहाँ पे आप कैमल राइड कर सकते हो, हॉर्स राइड भी कर सकते हो और भी बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो। आप देख सकते हो शाम का टाइम है, ऊपर चांद निकला हुआ है। और ये देखिए कैमल कितनी अच्छी तरह से सजा रखा है इन्होंने। और ये देखिए, ये सैंड आर्टिस्ट हैं जो आपको पूरी के बीच पे ही मिलेंगे। दिन में तो अच्छा है, रात में अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, ये लहरें यहाँ तो नहीं नहीं, अरे रात को पानी। देखिए गाइस, ये भगवान शिव की है प्रतिमा मूर्ति जो इन्होंने बनाई है। भैया क्या नाम है आपका? भैया कब से बना रहे हो आप ये, कितने सालों से? 15 साल से। तो आज ही आपने शिव भगवान की मूर्ति बनाई है, कुछ स्पेशल रीजन, इसका कारण कोई? संक्रांत ना, संक्रांत है आज, संक्रांत बनाई। तो कितनी देर में बना दी आपने ये? दो चार घंटा लग गया। चार घंटे?
तो ये देखिए विश्वनाथ भाई है हमारे, इन्होंने ये 4 घंटे में भगवान शिव की मूर्ति बना दी है पुरी के बीच पे। और ये आज शंकराचार्य है इसलिए इन्होंने ये मूर्ति बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो जिसमें मैंने आपको दिखाई है पुरी बीच की लहरें और समुंदर जो था बहुत ख़तरनाक है, आवाज़ें बहुत अच्छी थी और डरावनी भी थी, और इसके साथ में आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, आइए फुल एंजॉय करिए। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मैं जुगनू तोमर आपका होस्ट इस ब्लॉग में आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।